हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम फॉर यू में। दोस्तों, आपने YouTube की सबसे शानदार और जानदार वीडियो पर क्लिक कर दिया है। जिस बच्चे ने भी इंडियन नेवी ट्रेड्समैन मीट का पेपर दिया था 2021 का, उसके लिए वीडियो मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है गाइस, क्योंकि इसमें देखेंगे कि आपकी रिजल्ट से लेकर ब्रेकिंग न्यूज़ क्या रही है, आपके रिजल्ट को लेकर ऑफिशियल कट ऑफ आपकी आ चुकी है, कैटेगरी वाइज आपके कितने मार्क्स आए कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नाम आ जाए। दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप सभी रेडी हो जाएं, सभी बातें आपको इसी वीडियो में जानने को मिलेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो जल्दी से एग्जाम फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, जो भी अपडेट होगी सबसे पहले आपको यहीं पर देखने को मिलेगी एग्जाम फॉर यू चैनल पर। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ आपके मार्क्स कट ऑफ क्या जाने वाली है। आपकी जनरल कैंडिडेट अगर आप हैं 65 से लेकर 68 नंबर आपके लिए सफिशेंट होंगे गाइज। अगर आप OBC से हैं तो 62 से लेकर 64 नंबर, EWS कैंडिडेट के लिए 60 से लेकर 62 नंबर सफिशिएंट होंगे, SC कैंडिडेट के लिए 57 से लेकर 60 नंबर, अगर आप ST कैंडिडेट हैं तो 55 से लेकर 57 नंबर सफिशिएंट होंगे, एक्स सर्विसमैन के लिए 53 से लेकर 55, PWD के लिए 55 से लेकर 57, अगर आप PWD और सब कैटेगरी से हैं तो 59 से 61, VH कैटेगरी के लिए 54 से 56 और HH कैटेगरी के लिए 53 से लेकर 55। अगर गाइज आपके इतने मार्क्स हैं तो रेडी रहना अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी मैं आपको यहीं पर बताऊंगा, आप टेंशन बिल्कुल ना लें, धैर्य के साथ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते हुए आप चलेंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से सभी लाइक से और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें एग्ज़ाम फॉर यू चैनल को। बात कर लेते हैं आपकी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट की, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए गाइज। 10th की मार्कशीट आपको लेकर जानी है, सभी को लेकर जानी है, कोई भी कास्ट कैटेगरी हो आपकी, सभी को लेकर जानी है। ITI का सर्टिफिकेट आपका मांगा हुआ है तो ITI का सर्टिफिकेट आप लेकर जाएं, कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है, जाति प्रमाण पत्र, ID प्रूफ में आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, वोटर ID हो, पासपोर्ट हो, इनमें से कोई भी ID आपके पास हो वो लेकर आप चले जाएं। ज़रूरी नहीं है कि ये सभी ID आपको लेकर जानी है, इनमें से एक ID अगर आपके पास है एक से ही काम चल जाएगा। मैंने आपको ID बता दिया, इनमें से आप कोई भी अपनी ID ले जा सकते हैं। डोमिसाइल आपको लेकर जाना है, मूल निवास प्रमाण पत्र आपका मांगा हुआ है तो मूल निवास प्रमाण पत्र आप लेकर जरूर जाएँ। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो फटाफट से सभी लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें एग्जाम फॉर यू चैनल को। बात कर लेते हैं आपकी सिलेक्शन प्रोसेस की, इंडियन नेवी ट्रेड्समैन मीट में आपका सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से है। कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम था, जो बच्चे ऑनलाइन एग्ज़ाम में पास होंगे उनका कराया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन, और जो बच्चे डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन में पास हो जाएंगे उनका कराया जाएगा मेडिकल जो है आपका मिलिट्री हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल का मान्य है, जिसका सेंटर जहाँ पर आएगा वो अपना मेडिकल आप करा लें। अब बात कर लेते हैं आपकी मेडिकल के बारे में, क्या क्राइटेरिया ऑफ मेजरमेंट आपका मांगा हुआ है। दोस्तों, सभी बातें मैं आपको बताऊंगा, टेंशन बिल्कुल ना लें, धैर्य के साथ एंड तक ज़रूर देखते हुए चलेंगे। क्या आपकी रिजल्ट की डेट रहने वाली है वो भी मैं आपको यहीं पर बताऊँगा। मेडिकल के लिए क्राइटेरिया मेजरमेंट है, मिनिमम आपको 45 किलोग्राम वजन होना चाहिए, आपकी आईसाइट 6x6 होनी चाहिए, अगर आपको चश्मा लगाया तो 6x12 आपका मांगा हुआ है, आपको कोई फ्रैक्चर वगैरह नहीं होना चाहिए, आपकी कोहनी 15 डिग्री से ज़्यादा बाहर नहीं निकलनी चाहिए। टैटू के बारे में काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं कि हम टैटू का क्या करें, निकलवाएं या ना निकलवाएं। दोस्तों, मर्जी आपकी, टैटू निकलवाना चाहें आप निकलवा सकते हैं, नहीं निकलवाना चाहें तो आप ना निकलवाएं, क्योंकि जिक्र नहीं कर रखा है इंडियन नेवी ट्रेड्समैन मीट में के नोटिफिकेशन में, टैटू के बारे में कोई जिक्र नहीं है आपका। दोस्तों, घुटने मिले हुए बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, अगर आपके घुटने मिले हुए हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि इंडियन नेवी ट्रेड्समैन मीट में जिसके घुटने मिले हुए हैं उसको बाहर किया गया है प्रीवियस भर्ती में भी। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि हमारे घुटने मिले हुए हैं क्या रेस वगैरह होगी। दोस्तों, कोई फिजिकल नहीं है, रेस वगैरह आपकी कुछ नहीं है, लेकिन आपके घुटने मिले हुए नहीं होने चाहिए, ये इसमें मांगा हुआ है। अब बात कर लेते हैं गाइज आपकी रिज़ल्ट की, रिज़ल्ट कब आ रहा है। रिज़ल्ट 15 अक्टूबर आपका बताया जा रहा है, बहुत ही जल्दी आपका रिज़ल्ट आने वाला है। देन नवंबर में आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और दिसंबर स्टार्टिंग में आपका जो है मेडिकल स्टार्ट करा दिया जाएगा। लगभग दिसंबर लास्ट तक आपको ज्वाइनिंग लेटर देने के भी चांसेस बन रहे हैं, फटाफट से भर्ती कराने के चांसेस बन रहे हैं इंडियन नेवी ट्रेड्समैन मीट की। तो दोस्तों, सभी बातें मैंने आपको बता दी इंडियन नेवी ट्रेड्समैन मीट से रिलेटेड, कोई क्वेश्चन क्वेरी डाउट हो तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से सभी लाइक ज़रूर कर दें गाइज, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दें, क्योंकि बहुत बड़ी अपडेट है, आपकी रिजल्ट बहुत ही जल्दी आने वाला है। जिसने भी इंडियन नेवी ट्रेड्समैन मीट का पेपर दिया सभी के पास वीडियो को शेयर भी कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, एग्जाम फॉर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जो भी अपडेट होगी सबसे पहले आपको यहीं पर देखने को मिलेगी एग्जाम फॉर यू चैनल पर।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।